महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुल 60.65 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा 1 परियोजना का शिलान्यास किया। जिन परियोजना का लोकार्पण किया उसमें राप्ती नदी के बाएं तट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट एवं राजघाट का निर्माण, राप्ती नदी के दाएं तट पर राम घाट का निर्माण, राजघाट पर अत्युस्थि स्थल का निर्माण एवं प्रदूषण मुक्त लकड़ी व गैस आधारित सौदाह संयंत्र की स्थापना तथा हावर्ड बंधे से महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट तक सीसी सड़क व नाली निर्माण का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक साथ 3 परियोजना के लोकार्पण एवं 1 परियोजना के शिलान्यास अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजघाट पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। हर व्यक्ति साफ सुथरी जगह पर स्नान करना चाहता है लेकिन राजघाट पर गंदगी रहती थी और वहीं पर लोगों को स्नान करना पड़ता था, लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा बल्कि गोरखपुर तथा पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए अलग घाट, अंतिम संस्कार के लिए अलग साफ सुथरा घाट यहां पर उपलब्ध होगा और साथ साथ शहर से जो ड्रेनेज और सीवर यहां आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की सच्चाई है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर सम्मान से अंतिम संस्कार साफ सुथरी जगह पर संपन्न हो यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन इसके संरक्षण एवं साफ सुथरा रखने का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा, यह जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रहा है लेकिन हम सब का दायित्व है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखा जाए। सरकार विकास सौंदर्यीकरण हेतु धन देती है लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा वहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो। उन्होंने कहा कि शमशान घाट को बाबा मुक्तेश्वर नाथ के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से कहा कि हावर्ड तटबंध के से स्नान घाट तक आने के लिए सड़क के उच्चीकरण के साथ 2 लेन किया जाए जिससे आने जाने वालों को सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त यहाँ सीवर ड्रेनेज का पानी नहीं गिरना चाहिए। नदी संस्कृति के प्रति यह भाव होना चाहिए, नदी जैसी पवित्रता शीतलता हम सब के मन में भी होना चाहिए। स्वागत संबोधन महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन एवं विधायक ग्रामीण विपिन सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद बासगांव कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, विमलेश पासवान, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी राजेश मोदक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। हार्दिक स्वागत माननीय सांसद गोरखपुर सदर क्षेत्र, माननीय सांसद बासगांव क्षेत्र, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय महापौर महोदय, आज गोरखश्री खातीश्वर की इस पावन धरा पर बसंत उत्सव के पूरे बेला में बसंत पंचमी के शुभ अवसर से सादर अनुरोध है कि अंग वस्त्र के द्वारा
मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री साथ ही साथ मंच पर उपस्थित माननीय जल जलशक्ति मंत्री का भी हार्दिक स्वागत अंगवस्त्रों के साथ करें। आज जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के बाएं बैंक पर विभिन्न प्रकार के लोकार्पण कार्यक्रम महाराज जी के हम प्रणाम करें। ऐसे निस्वार्थ त्यागी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग सदियों में सदियों सदियों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं। हम चाहत के हमारे महाराज जी के लिए अंतरात्मा से गड़गड़ा के वो ताली बजे के चाहिए। राजघाट जहाँ राम घाट महाराज जी बनोलन बाद हमारे महेंद्र जी आज वर्णन उनके हम प्रणाम करें। हमारे विधायक गण लोगों के प्रणाम कर, हमारे साथी सांसद गण के हम प्रणाम कर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो मंच पर बैठल बा उनके एक साथ प्रणाम कर, जो सामने सब बैठल है सब लोगों के गोर छूके प्रणाम कर, हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी योद्धा बैठे हैं यहाँ पर और मंच पे सबके प्रणाम कर, सारे लोगों के हर हर महादेव सब लोगों के प्रणाम कर। नाम ना ले कहे की बहुत समय चल जाएगी लेकिन सबके हमारे दंडवत प्रणाम बा। देखा गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर राम घाट पे आ गई बा, राप्ती नदी माई बह रही है, जैसा काम हो रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोले भोले सब लोग आ जाते थे यहाँ, और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा हरा महादेव स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है पूज्य तो महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के देव कारण पूर्वांचल के देव कारण सड़क से लेके हर चीज जिनमें निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारी योगी जी, जोन जोन हम राज्य में जाएगा सब हमके का कहना मालूम हो। मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूँ, मैं हर भाषा में काम करता हूँ, आपको पता है हम तो सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना। अरे हम बोले महाराज जी के कितना रूप में कितना उधर, अरे एक ही महाराज जी है ना, हर राज्य में कैसे मुख्यमंत्री है। हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बात हो कि सब लोग बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पर चल गए, कुछ लोगों का सब कुछ समझ गया कितना शांति चल रहा है, देख नहीं रहो उत्तर प्रदेश में कितना कानून शांति, माफिया लोग पाताल में चले गए, नेपाल चले गए, ऊपर चले गए, बच्चे लोगों की पढ़ाई, फिल्म सिटी, रोजगार, हर चौमुख हर तरीके से। आप सोशियल महाराज जी करते हैं, हम सोचिला कि आज हम एक चिट्ठी लिखी महाराज जी के मालूम पड़ा अखबार में वो आ जाला कि अभी महाराज जी ये भी बना रहा है, हम सोच रहे कि सड़किया बोला कब भी आ गए, हम बोला पार्लियामेंट में आज ये बोलूंगा, ये ब्रिज खातिर बोला महाराज जी हो सब, तो जब 24 घंटा महाराज जी आप लोगों के लिए दे दिए तो आप लोगों का फर्ज है क्योंकि आप लोगों ने भी महाराज जी पर भरोसा रखा, तो महाराज जी ने जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा बस वही के बरकरार था। महाराज जी को खाली क्या चीज पता है, क्या चाहिए महाराज जी को, क्या चाहिए महाराज जी को, क्या चाहिए
रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें, रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया महाराज जी के जब तक महाराज जी बाड़ा तब ले उनके मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री, हमार पार्टी, हमार भारतीय जनता पार्टी एक बात कहते थोड़ा इमोशनल, 2 मिनट और ले महाराज जी क्षमा चाहते हैं ना देख पाओ फिर जा। मेरे गांव में मेरा गांव बड़ा पिछड़ा था, बनारस जौनपुर का बॉर्डर, वहां सड़क नहीं थी। महाराज जी की सरकार आई, जाकर पूछिए निराकत में गुरु से फोन करके सड़क आई। आज हम यार देख के बहुत भावुक हो गए, हम कभी सोचने नहीं रहे। कहें कि हम जब बंबई में रहते थे सब लोग यूपी के बारे में बहुत गंदा बोलता था, हमको सब भैया बोलता था, सबके लगत रहे कि यहाँ पे हत्या होती है, यहाँ माफिया लोग रहते हैं, जो कि सच था। यूपी के नाम पर कोई आना नहीं चाहता, आज हर व्यक्ति यूपी के नाम पर आना चाहता है, हर व्यक्ति यहाँ शूटिंग कर रहा है, हर व्यक्ति यहाँ बिजनेस करना चाहता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे देश में रोशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ पूज्य महाराज जी की वजह से। आज ये आप देख रहे हो, यही आपकी नदी, यही गोरखपुर, और 3 साल में ये गोरखपुर ऐसे लग रहा है स्वर्ग में बैठे हो। विहंगम दृश्य है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज बसंत पंचमी है। आप कल्पना करिए कि महाराप्ति का यह तट हो, गुप्त नवरात्र हो, बसंत पंचमी का दिन हो, माँ सरस्वती का प्राकट्य हो रहा हो और जनता जनार्दन विराजमान हो और मंच पर गोरखपीठ के पिता भीष्म यहाँ पर विराजमान हो आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा अद्भुत समागम और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको मैं आपसे कहता हूं, गोरखपुर के लोग कभी सोचते होंगे, मैं भारत के बहुत सारे राज्यों में जाता हूं, अगर मैं यहां पर बताता हूं जनसभा में बोलने के लिए जब उसको आमंत्रित किया जाता है और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आए और अपनी बात कहे तो लोग तालियां तब तक बजाते रहते जब तक मना नहीं करता, क्योंकि क्योंकि मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट का मंत्री हूं। पूरा देश गौरवान्वित होता है। मेरे मित्रों, मुझको लगता है उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान जिन्होंने वापस किया है, उत्तर प्रदेश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है, ऐसे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां, लोग कहते थे हमारे आदरणीय सांसद जी कह रहे थे गड़गड़ाहट वाली तालियां होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतना विहंगम दृश्य कभी देखने को कैसा सुंदर लग रहा है। इस पार से उस पार देखिए, उस घाट से इस घाट को देखिए। मैं अपने गोरखपीठ को और यहाँ गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मंचासीन हमारे आदरणीय सांसदगण, मंचासीन आदरणीय विधायकगण, हमारे महापौर, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय भाई और बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है लोग तो कल्पना करते थे कि दुनिया में भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दुनिया में लोग कहते थे कि अगर विश्व में कहीं पर भी आप देखेंगे तो भारत के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे वैदिककालीन भारत हो, चाहे अयोध्यकालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो, या स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हमारा भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, उसी की परिकल्पना तो आज साकार रूप ले रही है। आपने देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव, तो आपने देखा प्रयाग का कुंभोत्सव, आपने देखा मथुरा का रंगोत्सव, आपने देखा अभी कभी आपने देखा होगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से मुरादाबाद में 2,754 बच्चियों की एक साथ सामूहिक विवाह सभी आपने देखा। विकास कैसे होता है, एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस बनती है, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनती है, एक तरफ गंगा एक्सप्रेस बनती है, इतना ही नहीं मित्रों, मौनी अमावस्या पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है।
और सुंदर लगता है तब ये पुष्प की वर्षा होती है। आज का यह घाट देख करके महायोगी श्री गोरक्षनाथ घाट को पर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस घाट का नाम है महायोगी श्री गोरक्षनाथ घाट, गुरु गोरक्षनाथ घाट इस घाट का नाम है। इसके सामने जाएंगे तो राम घाट है, उसके बगल में जाएंगे तो राजघाट है। इन तीनों घाटों को एक साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने सिंचाई विभाग को इस काम को करने का अवसर दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम करके इस घाट को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ से लेकर के वहां तक बनाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा आगे भी अभी इसमें बहुत कुछ अच्छा किया जाएगा। लेकिन मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गोरखपुर में रहते हो, ये रात की हमारी 600 किलोमीटर लंबी नेपाल से लेकर के देवरिया जहाँ घाघरा में जाकर मिलती है इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। हमारी रोहन नदी हो, राप्ती हो, आमी हो, गुर्रा नदी हो, ये जितनी नदियां हैं ये जलप्रवाहों के माध्यम से बाढ़ के जब पानी बरसता है चारों तरफ बाढ़ आता था, लेकिन पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखते देखते सब कुछ बदल गया है। अब बाढ़ आपके नजदीक तक नहीं आने पाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बाढ़ कार्यों का लोकार्पण किया है, सभी कार्यों का शिलान्यास भी किया है। नदियों में हमारे चैनलाइज करने के लिए ड्रेजिंग का काम चल रहा है, अब धारा इधर से उधर जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है धारा को मोड़ करके वास्तविक धारा से ही नदियां बहे, इसकी भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित की जा रही है। एक अद्भुत कार्य हो रहा है, हम लोगों ने तय किया है बाढ़ के काम को करेंगे, नहरों की सफाई भी करेंगे, हर खेत तक पानी भी पहुंचाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है, हर घर को नल से जल देने की योजना, उस पर भी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही अभी भारत सरकार ने अटल भूजल योजना का लॉन्चिंग किया था। उत्तर प्रदेश के 10 जिले लिए गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 जिले नहीं 75 के 75 जिले में काम शुरू करिए, और हमारे 75 जिलों में काम शुरू हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 3 एजेंडा है, नंबर 1 एजेंडा विकास है, नंबर 2 कहते हैं चतुर्दिक विकास, और नंबर 3 एजेंडे का नाम है तेज गति से विकास। यानी विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति से विकास, उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मित्रों मैं भी सौभाग्यशाली हूँ आप सब लोगों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना मैनेजमेंट पर WHO ने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, हमारा आपका सबका सीना चौड़ा हो गया होगा। आपने देखा होगा कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के दुनिया के सबसे बड़ी पत्रिका टाइम्स पत्रिका ने लिखा कि वास्तव में अद्भुत मैनेजमेंट अगर किसी ने किया है, सबसे अच्छा काम किसी ने अगर दुनिया में किया है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो मैं कहता हूँ आज वैक्सीनेशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखते देखते पूरे भारत की चीनी मिले नहीं चली, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी चीनी मिले हमारी कोरोना के दौरान भी चलती रही, और गन्ना किसानों को कोई असुविधा न होने पाए उसकी भी व्यवस्था कराए। माननीय महाराज जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा $1 trillion इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाएंगे, चतुर्दिक विकास कराएंगे, गोरखपुर का तो विकास हो रहा है। आज गोरखपुर का हर व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, आज कहीं भी आप जाइए और आप अपने आप को बताइए, अमेरिका में बताइए, इंग्लैंड में बताइए, चाइना में बताइए, जापान में बताइए, जर्मनी में बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में भारत से आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से आते हो, आप कहोगे मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ। आप देखिएगा हर कोई व्यक्ति आपको हाथों हाथ ले लेगा कि आप योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से आ रहे हैं। तीन परियोजनाओं के लोकार्पण और एक परियोजना के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित है प्रदेश सरकार में मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद वासगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी,
महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री नितिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर वेंकटेश पासवान जी, संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, स्थानीय पार्षद श्री रामपाल कुशवाहा जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको एक साथ तीन घाट यहाँ पर प्राप्त होने और साथ साथ हावड़ बंधा से इस घाट तक आने के लिए शेषी रोड के शिलान्यास के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आप अनुमान करिए कि आज से दो वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 लाख लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो, इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता। लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे, लेकिन यहाँ राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सेवर भी गिरता था, और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहाँ पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे, और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सेवर आ रहा है सिटी का उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा, यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जनशक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को उन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया, और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है। लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व तो जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना, ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहाँ पर उपलब्ध करवा दें। कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ पर, किसी को अपने परिवार की, किसी परिजन की अंतिम विदाई में यहाँ पे आना पड़ता है, किसी को किसी अपने मित्र और शुभचिंतक के परिवार में घटित किसी वियोग की घटना में यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मुझे भी कई बार यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गंदगी देखता मन खिन्न होता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो,
स्नान का हो या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो, या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी ही राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है, हमने भी स्नान किया। रामगढ़ ताल के बाद राप्ती नदी की निर्मलता की तरफ हम लोग गए। रामगढ़ ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन दायित्व हम सबका बनता है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखना। सरकार एक बार पैसा दे सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा कहीं भी वहां पर कोई भी ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। और इसलिए आज ये घाट यहाँ पर चार प्रकार के कार्य दिए गए। हमारे पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महावीर भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहाँ पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहाँ पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है, वहां पर तो सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है, वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही है। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है, लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उस पूरे घाट का नामकरण भी होना चाहिए और वह यहाँ पे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर यही बगल में है। कहते हैं पहले राप्ती नदी बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पास से होकर के गुजरती थी, और बाबा मुक्तेश्वर नाथ इस शमशान घाट के वही अधीश्वर है, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट के पूरे क्षेत्र का नाम है आराम से। लेकिन जो शमशान घाट है उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर सबकी मुक्ति के ही वे ईश्वर है, देवाधिदेव महादेव है, और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। तीन प्रकार के बोर्ड हम लोग यहाँ पर लगा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक ये कार्य, दूसरा प्रशासन को नगर निगम को मिलकर के करना है कि हावड़ तटबंध से यहाँ पर स्नान घाट पर आने के लिए जो सड़क है इसको थोड़ा ऊंचीकरण करते हुए इसको टू लेन का कर लेना, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा बन सके और हर एक सीजन में लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोई भी सीवर या ड्रेनेज यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लोग आए स्नान घाट में आकर के जो सामान्य दिनों में आते हैं या किसी पर्व और त्योहार के समय में आते हैं वे स्नान घाट में आकर के स्नान कर सके, इस प्रकार की सुविधा देना। और अगर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं तो अंतिम संस्कार की रस्म को संपन्न करके फिर भी राप्ती नदी में कोई स्नान करना चाहेगा तो उस प्रकार का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना भी ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी ड्रेनेज और सीवर घाट के उत्तर में तो नहीं गिरना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन दक्षिण में भी ना गिरे इसके बारे में भी हमारी राप्ती नदी के प्रति और अपनी नदी संस्कृति के प्रति एक भाव होना चाहिए, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। ये कार्य यहाँ पर हम लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अच्छा होगा यहाँ पर हम लोग पूजा की परंपरा भारतीय संस्कृति में क्यों होती है उसके पीछे भी एक भाव है। हम पूजा उसकी करते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप हम करना चाहते हैं।
हम नदी संस्कृति की पूजा इसलिए करेंगे कि नदी जैसी पवित्रता और नदी जैसी शीतलता हम सबके मन में भी आ जाए। ये पवित्रता बनाए रखें क्योंकि जल संस्कृति, जल है तो कल है, इसलिए नदी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जगह जगह गंगा आरती के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के अंदर देखा जा सकता है। एकदम पवित्र गंगा जी का जल अब स्नान ही नहीं बल्कि आचमन भी किया जा सकता है। एक विश्वास हर एक श्रद्धालु के मन में, प्रयागराज जाने वाले हर श्रद्धालु के मन में है। इस समय माघ मेला चल रहा है, लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में है। गंगा की जो शुद्धता वहां पर हुई है वह शुद्धता वहां देखने लायक है और यही भाव हम सबके मन में होना चाहिए कि हम राप्ती नदी की भी निर्मलता के बारे में सोचें। किसी भी स्तर पर कोई गंदगी नहीं। अक्सर होता है कि हम अपने घर के गंदगी को ढा करके नदी में फेंकते हैं, मुंडन बनवाया बाल धागे नदी में फेंक दिया, गंदे कपड़े धागे नदी में फेंक दिया, घर का कचरा लाया नदी में फेंक दिया, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा। एक संकल्प हर नागरिक का होना चाहिए कि हम नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए हम लोग यहाँ पर आवश्यक हो सके तो कमेटी बना करके इस पार भी उस पार भी आरती के लिए, आपने देखा होगा जगह जगह चबूतरे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं और उस प्रकार की सुविधा दी गई है। हो सके तो यहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था बना करके स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके आरती के नियमित कार्यक्रम को श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए, अच्छा रहेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज देख रहे होंगे कितना घाट सुंदरीकरण की तहत देख रहे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना व्यवस्थित लग रहा है। ये सुंदरता गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को दिखेगी, लगेगी और व्यक्ति इस बात की तरफ आकर्षित होगा कि जैसा सुंदर ये घाट है ऐसा ही सुंदर गोरखपुर के नागरिक भी होंगे, उनके भाव भी होंगे। ये सुंदरता उस भाव की ओर आपका आपके प्रति आम जन के मन में और देश और दुनिया के मन में एक भाव जागृत करता है। ये कार्य हमें इसके प्रति करना होगा, इसके बारे में हम स्वयं जागरूक हैं। दूसरा, आज गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं चल रही है। मैंने कहा भी तो भैया राप्ती नदी का इससे पहले हम लोगों ने रामगढ़ ताल की सुंदरता के कार्य को संपन्न किया है। आज रामगढ़ ताल कितनी सुंदर झील बन चुकी है, उसमें वाटर स्पोर्ट का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, वहां पे बोटिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि वहां पर हम बहुत जल्दी गोरखपुर एयरपोर्ट में जो जहाज उतर गई है लेकिन सी प्लेन भी हम लोग रामगढ़ ताल में उतारने का कार्य करेंगे, जिससे कहीं से भी आप आएंगे जहाज रामगढ़ ताल में ही उतर जाएगा। उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर दी जा सकती है। और इसी महीने के अंत में या अगले माह हम लोगों का प्रयास है कि गोरखपुर का जो भी गोरखपुर का चिड़ियाघर भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सारे जानवर आ चुके हैं, आप देखेंगे गोरखपुर में भी अब चिड़ियाघर में शेर भी और अन्य तमाम प्रकार के जानवर आप सबको देखने को मिलेंगे। बच्चों का ज्ञानार्जन भी होगा, मनोरंजन भी होगा और आपको अपने फालतू समय में कभी अवसर मिलता है घर गृहस्थी के कार्य से, अपने सामान्य नौकरी के कार्य से, अपने स्वयं के काम धंधे से जब भी समय मिलता है तो कहीं कोई मनोरंजन का स्थान देख सके, जाकर के उसके मनोरंजन का आनंद ले सके, प्रकृति के संग कुछ क्षण बिता सके। ये अवसर आपको रामगढ़ ताल के किनारे भी मिलेगा, चिड़ियाघर में भी मिलेगा और साथ साथ इस राजघाट के घाटों पर घूमते हुए यहाँ पर चलने वाले सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों के साथ भी देखने और सुनने को मिलेगा। यानी सुंदरता ऐसे गोरखपुर की सड़कों का भी, पहले 2 लेन की सड़क थी, आज 4 लेन की हो रही है, तो सड़कें 6 लेन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चारों तरफ सड़कों का एक जाल विकास का आधार बन गया। विकास होगा तो रोजगार भी होगा, नौजवान पलायन नहीं करेंगे, जो देश के अन्य भागों में लोग नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं उनको उनके घर में ही नौकरी और रोजगार उपलब्ध जब हो जाएगा तो वह अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे ढंग से देख पाएगा और साथ साथ यहाँ पर ज्यादा मेहनत से कार्य भी कर पाएगा। और ये सुविधा यहाँ पर देने का कार्य आज प्रारंभ हुआ है,
आज मैं इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा जल शक्ति विभाग को और स्थानीय प्रशासन को कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उन्होंने बेहतर टीम वर्क का काम किया है और आज उसका परिणाम है यहाँ पर हम लोग गोरखपुर वासियों को एक बेहतर और सुंदर स्नान घाट उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। हम सब जानते हैं कि इन सभी घाटों पर महावीर गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 28 करोड़ रुपए की लागत से घाट यहाँ पर संपन्न बन करके तैयार हुआ है। श्री राम स्नान घाट पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं और बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर जो घाट यहाँ पर वहां पर शमशान घाट और स्नान घाट बना है वहां पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी वहां पर अभी सुंदरीकरण के कार्य अन्य संपन्न होने हैं। ये सभी कार्य एक साथ यहाँ पर संपन्न होंगे। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और भावड़ बंधा से लेकर के यहाँ पर घाट स्नान घाट तक आने के लिए जो सीसी मार्ग बनेगा इसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इन सभी विकास की योजनाओं को संरक्षण करने का कार्य आप सभी लोग करेंगे। इसकी सुंदरता को, इसके रखरखाव को, यहाँ पे गंदगी न करना, इसमें किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ या अव्यवस्था या अराजकता फैलाने की जो किसी को नहीं देंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति बसंत पंचमी के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।